नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शारदीय नवरात्र के व्रत के ऊपर। जो माँ दुर्गा के 9 दिवसीय नवरात्रि व्रत होते हैं, ये बहुत संयम और अनुशासन की मांग करते हैं। देवी माँ को प्रसन्न करना है तो कुछ ऐसे काम हैं जो हमको नहीं करने चाहिए, उनसे जहाँ तक हो बच के जरूर रहें। जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए इन नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले तो जो लोग व्रत रखते हैं उनको दाढ़ी मूछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। यदि अपने घर में अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन 9 दिनों तक आपको घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, छोड़ के कहीं बाहर ना जाएं। और खाने में प्याज लहसुन और नॉनवेज तो बिल्कुल छुएं भी ना। और 9 दिन तक व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। रखने वालों को 9 दिनों तक नींबू नहीं काटना चाहिए। व्रत के 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है, दिन में नहीं सोना चाहिए। फलाहार एक ही जगह पे बैठ के करना चाहिए। दुर्गा चालीसा या कोई मंत्र या सप्तशती का पाठ कुछ भी यदि आप कर रहे हैं पढ़ते हुए, बीच में दूसरी बात बोलने की कोशिश ना करें और उठने की गलती ना करें, नहीं तो इसका फल उल्टा ही मिलता है। कई लोग भूख मिटाने के लिए या अपना टाइम पास करने के लिए व्रत के दौरान तंबाकू चबाते रहते हैं, कुछ लोग पुड़िया डालते रहते हैं, ये सब तो बिल्कुल भी कतई ना करें। इस प्रकार से व्रत खंडित हो जाता है। ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता है। इसके अलावा जिस बिस्तर पे हम रोज़ सोते हैं उस बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए। जहाँ तक हो तख्त के बिस्तर पर सोना चाहिए या ज़मीन में सोएं, गुलगुले बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि का व्रत रखने वालों को इन नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।